सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं और प्रियंका, हम दोनों अभी सोलन में, और मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं। हम पूरी रात से जागे और अभी हम, मैं और प्रियंका जा रहे हैं करोल का डिब्बा, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ट्रैक है एंड 7 किलोमीटर का वन वे ट्रैक है। तो हम स्टार्ट करेंगे चंबा घाट से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या पैक करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये बहुत बड़ा बैग अपने साथ लेकर जाएंगे। सो ये हमारा बैग है, तो हम ये बैग कैरी करेंगे, और इसमें हम एक ही बैग लेके जा रहे हैं वैसे, मैं आप कहेंगे, क्योंकि छोटा सा ट्रैक है। अरे हम बार बदले उठाते रहेंगे, है ना, बदल बदल के। तो सबसे पहले हम गर्म पानी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि गर्म पानी हमें मिलेगा नहीं रास्ते में, क्योंकि हम कोई भी फ्यूल वगैरह अपने साथ लेके नहीं जा रहे। सो मेरे पास मेरा एक थर्मस है, तो ये इसमें डालूंगी मैं गर्म पानी। एंड हम कम से कम 2-3 बॉटलें हम पानी के यहाँ से लेके जाएंगे, तो हमें देखनी पड़ेगी अपनी बॉटल्स। तो ये मेरी बॉटल्स है एक, और एक और बॉटल है, मैं अभी उसको भी रखूँगी अपने साथ। तो ये हो गया। एंड इसके बाद हमारे पास और कोई चीज़ें तो है नहीं, तो जो हॉट वाटर है थर्मस है, उसमें हम पूरा फुल हॉट वाटर डालेंगे। एंड मैं ग्रीन टी के सैशे लेके जाऊँगी अपने साथ, जो मैं पीती हूँ, एंड जो प्रियंका है, प्रियंका नहीं पीती ग्रीन टी, प्रियंका ब्लैक टी पीती है, तो इसके लिए ब्लैक टी। एंड हम जो दूध है, दूध के पैकेट खरीद लेंगे हम, तो दूध का पैकेट ख़राब नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा सा मौसम है। एंड मैंने एक ऊपर के लिए एक ऐसा नॉर्मली जो हमारे पास, पहले तो नीचे से स्टार्ट करती हूँ, तो ये मेरी ट्रैकिंग पैंट है, तो हम नॉर्मल ट्रैकिंग पैंट में मतलब यहाँ पे करने जा रहे हैं हाइक। तो यहाँ पे क्या है कि बारिश भी हो सकती है, तो आप वाटरप्रूफ आप देख सकते हो ट्रैकिंग पैंट अगर आपके पास है। एंड उसके ऊपर ये देखिए टी शर्ट, तो ये टी शर्ट मेरी अंदर वाले है, तो ये पहनूंगे। एंड उसके बाद मैं एक, अगर तो आपके पास विंड प्रूफ है, अगेन रेन हो रहा है तो आप ले जाके जा सकते हो। एंड एक मैंने हिस्सा का एक आउटर अपने ऊपर, एक स्टेप जिपर टाइप सा मैंने अपने ऊपर लेके जाऊंगी। एंड उसके ऊपर कैप, वैसे ज़रूरत नहीं है कैप की, बट मुझे आदत है कैप की, तो मैं लेके जाऊँगी। तो ये है। एंड वहाँ पे चार्जिंग के लिए हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो प्रियंका, हमने हमें पता ही नहीं था कि हम आज जा रहे हैं, तो अभी ये खाली। सो अभी हम हो गए रेडी, और हमने अपने बैग में डाल दिया है, पावर बैंक डाला है हमने, एक गर्म पानी की, हमने 2 थर्मस हमने डाले हैं, और 2 लीटर हमने नॉर्मल वाटर पानी, मतलब नॉर्मल पानी डाला है। एंड इसके बाद हम खाने का सामान, कुछ फ्रूट्स हम मार्केट से लेंगे, और एक गार्बेज बैग हम ज़रूर अपने साथ कैरी करेंगे। वाटरप्रूफ और विंडप्रूफ हमने साथ में एक जैकेट रखी है, और अगर रास्ते में बारिश होती है तो हमने पोंचो भी रखा है। तो अभी हम निकल रहे हैं, मैं और प्रियंका, मज़ा आने वाला है। तो गाइज हम तैयार हो गए, और हमने सारी पैकिंग वगैरह कर ली है, जो भी हमें सामान चाहिए था, सिर्फ हमें फूड लेना है। तो हम फूड में जो हम लेंगे वो लेंगे हम फ्रूट्स लेंगे हम बनाना और मैंगो एप्पल, और मे बी बिस्किट हमें लेना पड़ेगा। एंड साथ में हम एक कोई जूस या ORS हम उठा लेंगे, तो हमें वही चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, और तो मुझे लग नहीं रहा कुछ और चाहिए, क्योंकि हमें टॉर्च में डाल दिया है, और हमने चार्जर भी रख दिया है, सब कुछ हमें रख दिया है। अगर थोड़ा बहुत हमें लगेगा तो हम देख लेंगे क्या चाहिए, हमें मार्केट से हम खरीद लेंगे अभी जाके। हेलो प्रियंका जी, प्रियंका चूली खा रही है फल से लेकर। हम जा रहे हैं पुराने बस स्टैंड, और हम अभी यहाँ पर फ्रूट्स लेंगे यहाँ से, निकलेंगे अभी। बहुत बुरे हाल है हमारी सड़कों के भी। यहाँ से हम निकलेंगे अभी। हाँ जी, तो रास्ते में हमें इस तरह की चीज़ें स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो गई है। इट्स वेरी डिसहार्टेड।
वापसी भी ले लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत शहर सोलन जो डे बाय डे ग्रो हो ही रहा है। एंड ये जो रूट आप देख रहे हो वो शिमला के लिए जाता है, वो जो नीचे जाता है वो कालका के लिए। तो ये 4 लाइन बन रहा है अभी भी। मैं ये रास्ते में मिला है एक फिग का ट्री, बट ये फिग फैमिली का एक वैरायटी है और हमारे यहाँ पे लोकल में इसे बोलते हैं त्यामटी, त्यांबल और भी बहुत सारे नामों से यहाँ पे जाना जाता है हिमाचल में स्पेशली, एंड उत्तराखंड में भी होते हैं, पहाड़ी इलाकों में आपको अक्सर पाए जाएंगे ये वाले। तो और इसकी जो इस तरह से इसकी लीव्स होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, इसकी लीव्स अभी छोटी हैं, अभी आ रहे हैं इस पेड़ में, ये देख सकते हो इधर में। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह से ये है यहाँ पे छोटा सा, तो इसको निकल बहुत टेस्टी होते हैं भाई खाने के लिए। तो इसको धोते हैं और इसे हम तो जब पशु में जाते थे गाय चराने के लिए, अपने घास नहीं हुए तो हमारे तो बहुत सारे होते थे, तो हम नमक मिर्च लेके जाते थे और उसके साथ खाते थे। तो अभी भी शायद पहाड़ी बच्चे जो अभी घास काटने या फिर पशुओं को चराने जाते होंगे वो आज भी खाते होंगे उनको। तो ये क्या है, जब छोटे होते इतने इतने से भी नहीं, इतने इतने से जब थोड़ा सॉफ्ट रहते तो इसकी हम सब्जी बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हो आप ये वाले, ये छोटे छोटे इतने इतने, इसकी बहुत अच्छी सब्जी होती है। एंड जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भी आप इसको खा सकते हो। एंड ये थोड़े से बड़े होने के बाद ये येलो कलर के हो जाते हैं और रेड कलर में हो जाते हैं, ये पक जाते हैं, तो इसके अंदर से एकदम जैसे जली होती है ना वैसे ही इसके अंदर से निकलती है। एंड आप उसे खा सकते हो, वो बहुत ही मीठी भी होती है, पर आपको कई बार देखना पड़ा कई बार इसमें कि अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। और अभी देख सकते हो कितना सारा फ्रूट इसमें लगे हैं। तो आप कभी हिमाचल आओ तो लोकल लोगों से ज़रूर पूछें कि त्यांबल या त्यामटी, या फिर आप बोल सकती हो कि जो एक फिग की तरह दिखने वाला होता है यानी उसी की फैमिली का है, तो हमें वो खाना है। बचपनों की यादों में से एक, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल के रास्ते में ऐसे पढ़ते थे, इनको बोलते हैं हमारे कश्मले। तो इसका क्या कहते हैं, इसके अंदर सीड्स होता है। तो ये देखो आप कहाँ गया, तो ये जो रस है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो रेड कलर का, हम सिर्फ इसे चूसते थे और जो ये बाकी सारी चीज़ें हमें फेंक देते थे, तो ऐसे ही हम इसको खाते थे। और हमारे जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लू कलर के हो जाते थे और हमें घर में डांट पड़ती थी क्योंकि इससे बीमार होते हैं और कई मतलब बहुत ज़्यादा खाने से बीमार हो सकते हैं आप इससे। वैसे बहुत कमी हुए हम तो, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हुआ हमें भी, प्रियंका पूरी बंदरिया बनी है यहाँ पर तो पर इससे बीमार होती है, ऐसा कहते हैं ठंडे होते हैं, जैसे अगर आपको बोलते हैं ना सर्द गर्म, मतलब जैसे फ्रूट्स भी होते हैं कुछ ऐसे, कुछ गर्म फ्रूट्स होते हैं कुछ सर्द फ्रूट्स होते हैं, इसी तरह से। ये देखो इस तरह से हमारे होटे जाते थे, ये देख रहे हैं ब्लू कलर का टर्न हो गया देखो। तो जब हम बहुत सारे खाते थे तो हमारे लिप्स हो जाते थे वैसे। ये देखो इसमें कांटे भी होते हैं, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो इसमें कांटे हैं, देखो यहाँ पे ये पे लीव्स हैं इसकी, इसकी लीव्स में थोड़े थोड़े कांटे इसमें भी होते हैं, देखो छोटे छोटे होते हैं। इसमें जो फ्लावर्स आता है वो येलो कलर का आता है, हम तो वो भी खा जाते थे, सच में हम सीरियसली बंदर थे तो ये आप झाड़ देख रहे हो, ये झाड़ भी हम, इसकी जो पत्तियां हैं खट्टी होती हैं तो हम इसको चबाते थे और फेंक देते थे। हम पहुंच गए हैं, छोटा सा गांव है यहाँ पे, तो वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो एक रोड है, जैसे आप यहाँ से निकलोगे तो आपके सामने एक रोड राइट साइड जाएगा जो कि गांव के लिए, और ये लेफ्ट हमारे ट्रक के लिए। तो एक और इंट्रोड्यूस करवाती हूँ फ्रूट आपको हमारे जंगलों में, तो हिमालयाज में जो है इसे हमारे यहाँ पे बोलते हीर, ठीक है, बट ये ना जल गए हैं, ये पूरा पौधा ही जल गया इसलिए इस तरह से हो गया, बट एक मुझे यहाँ पर मिला छोटा सा, ये देखो हमारे यहाँ पर बोलते हैं इसको हीर, और भी आपकी जगह पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे इसको, किस किस नाम से बुलाते होंगे। बहुत छोटा सा है, बहुत ही सुंदर है, देखो ठीक है आपको क्यूट सा, ये खाने में तो मीठा होता है। चलो प्रियंका को टेस्ट करवाते हैं, अभी टेस्ट बताएगी प्रियंका, बहुत यमी है। छोटे छोटे जल गया ये पेड़, बनना तो ठीक था यार ये, वो देखो वहाँ पर भी एक छोटा सा, एक मिनट रुकना था, कांटे भी होते हैं इसमें, वो नहीं लगने चाहिए,
एक कप खा लूँ? कोई नहीं, मैं तो खाती रहती हूँ, मेरे तो काम ही खाने का। और दिख नहीं रहे मुझे इसमें, बाकी पूरा पौधा ही जल गया है। तो गाइस मुझे पहाड़ी भी आती है, आप पहाड़ी भी टेस्ट करना चाहते थे, मेरे लोग बहुत बोल रहे थे आप पहाड़ी में बात क्यों नहीं करते। अरे ये विश्वास होगा ना, पहाड़ी में तो बात कर ही दो, पर यहाँ खनिया होती प्रियंका के पहाड़ी का करिए बे। ये तो कश्मलाई खाने पड़ो बे। ये जी देखो तो आ मीठे प्रियंका, ये मीठे कश्मलाई। अच्छा थोड़ा ना, पता क्या ना, ज़्यादा काले होंगे जो वो देखना, कम काले वाले नहीं, मैंने ज़्यादा वाले। ये देखो यहाँ पे ये ज़्यादा काले देखो, ये अच्छे होंगे। सिर्फ रस चूसना और फेंक देना, बाकी सब चीज़ें देखो। पता ऐसा ही ना, पेड़ के बीज इधर उधर फेंकेंगे ना, अपने आप लग जाया करेंगे, कोई तो लगेगा साल में एक बार। आपको मिलाते हैं अनार के छोटे भाई से। सुप्रियंका तुम इसे क्या बोलते हो? अनार? ये अनार नहीं है, ये दाड़ू है, यानी अनार का छोटा भाई। अनार मीठे होते हैं, ये खट्टे होते हैं, इससे हम बनाते हैं अनारदाना। तो ये अनारदाना का छोटा भाई है, सॉरी अनार का भाई है। नहीं बेटा ये बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट बच्चे, इनको नहीं तोड़ना, इनमें अभी छोटे जरा जरा से दाने हैं, जैसे तेरे दांत है ना, ये भी बड़े बहुत से आपा। इतने भी नहीं। देखो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इस जंगल में पूरे में आग लगी हुई थी, ये देखो आप पूरा काला हो रखा है, देखो पूरे जंगलों में आग लगी हुई थी देखो, ठीक है। और हमने क्या किया इस आग के चक्कर में, ये देख रहे हो आप, ये किसी ने घोंसला बनाया हुआ चिड़िया ने बेचारी ने, हमने ये देखो ये जला हुआ है, देखो आप आधा देखो आप, ये जला हुआ है देखो, काले रंग का देखो, ये जला हुआ है देखो आधा, ठीक है, मे बी लपटे पहुँची होगी यहाँ तक ना। अब ये बेचारे सारे के सारे बेचारे मर गए होंगे इसमें, ये जल के राख हो गए होंगे, क्या हो गया होना पता नहीं। ये हम लोग कितने बड़े अपराधी है हम लोग ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना बड़ा पाप कर दिया हमने, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। काश इस बार इसके बारे में सोचता कोई, पता नहीं। और आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे आता हुआ था चिड़िया, ये देखो उसके ना यहाँ पे पंख भी है, देखो यहाँ पे पक्का आती हुई चिड़िया, उसका घर होगा या भेड़ भी गाई होगा। ये देखो पूरा खराब हो गया घोंसला उस बेचारी का, ऐसे लोग हैं हम। देखो क्या हो गया हिमाचल वासी हूँ आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप, मतलब क्यों हुआ, क्यों आपके मन में तो इतनी दया होती है, हमारे यहाँ लोगों में इतनी दया होती है, इतना मतलब कैसे बताऊँ मैं, आप कुछ बोलने लायक नहीं रखा जी आपने। तो अनार और दाड़ू के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, बट इनकी पहचान ये कि छोटा होता है, अनार से छोटा साइज होगा और थोड़ा डार्क में होगा ये वाला जो होगा, ये जो पेड़ इसमें जो फ्रूट्स लगेंगे ना, और उसमें बहुत सारे वो भी होंगे, ब्लैक कलर के निशान भी होंगे उसके ऊपर जब वो लगेगा ना फ्रूट। मैं आपको दिखाती हूँ आगे कहीं मिलेगा मुझे, मिले यहाँ पे एक छोटी सी शॉप, देख सकते हैं आप, पहले नहीं थी ये अभी बनी है, मंदिर के लिए रास्ता। कुछ लोग पिकनिक बना के आए, पिक तो है पिकनिक। दूर छोड़ दिया हमने शहर, और फिर भी हमें मिल ही गया जिसकी हमें तलाश थी। जगहों पे इन्होंने डस्टबिन भी लगाए, अगर जंगलों में सर्वाइव करना है प्रियंका तो तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कश्मल है ये हमारे, हम इससे भी जी सकते हैं, इसकी पत्तियाँ भी ना खट्टी खट्टी होती है, हम इसकी पत्तियाँ भी खाते थे। और सिखाती हूँ, ये है कैंथ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, हाँ वो वाला बच्चा था ना पहले वाला, तो ये थे कैंथ, इससे बड़े भी होते हैं, उसको बोलते हैं जड़ैंथ, जो इतने भी बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े ना, उसको जड़ैंथ बोलते हैं, और इसको कैंथ। तो ये जब हाँ ये भी कच्चा है, कच्चा हम खाते बड़े से ना मुँह एकदम कस जाता है एकदम, तो कच्चा इतना स्वाद नहीं है ये, लेकिन जब पकता है ना ये काले रंग का हो जाता है, फिर आता है मज़ा खाने का, खट्टा टाइप से होता है, मीठा। प्रियंका कैसा लग रहा है आपको? वाह सुंदर है, बस बारिश आई तो वाह यही होगा हमारा,
वाव की जगह आ ठंडा अगर ये धुंध ज्यादा हो जाए ना तो हम गुम भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें साथ साथ में चलना होगा, साथ साथ में हमें रहना पड़ेगा ज्यादातर टाइम। हम दोनों ही हैं यहाँ पे एक दूसरे का सहारा, ब्लैकआउट हो जाए। यस फिंगर देखो कितने सारे कश्मले यहाँ पे, आज देखो खिलाऊ मैं, ये देखो कश्मले और सब पके हुए, इसको खाने का मजा कुछ और आएगा। टेस्ट करना कैसे मीठे के खट्टे, तभी खाने मैंने भी मीठे आहा बहुत मीठे, मज़ा ही आ गया प्रियंका मेरे को तो। अरे एक साथ डाला ऐसे करके ऐसे मुंह में निकाल दे लिप्स दिखाने दो प्रियंका मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, बहुत हैरानी वाली चीज़ है, मैं बताती हूँ। जहाँ हम अभी चल रहे हैं ना और जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं ठीक है, वो यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है। यहाँ पे ये घास काटते हैं, यहाँ के लोग लोकल जो लोग हैं ये घास नहीं है उनकी, पशु चराने यहीं पे आते हैं वो लोग। लग रहा है प्रियंका जो बाहुबली मूवी थी ना उसमें ऐसे ही करके निकाला होगा, देखो ये देखो इसमें लाल रंग निकल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे मैश कर दिया हुआ और फिर लिप्स लगा दिया हुआ उनके ऐसा करके। सच में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं हम नो आप हैं आज प्रियंका के साथ तो 8 बज गए हैं सुबह के और हम अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। हम सुबह 6 बजे से निकल चुके हैं घर से। ओ माय गॉड यहाँ पे फिर से मिल गए मुझे, तो मुझे लगता है आज मुझे यही खाने पड़ेंगे आज प्रियंका आज हाई मीठे बहुत है, ये भी अच्छे मीठे हैं, मोटे मोटे हैं ना ये, मुझे लग ही रहा है कि ये बाहुबली में यूज हुएंगे। ये देखो आप देखो ये देखो ये देखो देखो कलर निकला मुझे किया था। यही है गाइस यही है देखो एकदम, पर क्या है ना कि ये रस ना थोड़ा सा देर के लिए ऐसा रहेगा फिर ये टर्न हो जाता है पर्पल कलर में। नहीं बट ऐसा नहीं लगता आपको जब भी हम दोनों बिना प्लान किए कहीं निकलते हैं है? अच्छा ही लगता है वहाँ पहुँच के जाके हाँ मेरे मैक्सिमम ट्रिप ऐसे ही होते बिना प्लान के होते अच्छे होते बट